16 मई के नतीजों से पहले बीजेपी और संघ में हलचल तेज। राजनाथ सिंह से संघ नेता सुरेश सोनी, रामलाल सौदान सिंह, वी सतीश की मुलाकात। नई सरकार के गठन को लेकर कयास तेज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने संघ नेताओं से की मुलाकात। दिल्ली के आरएसएस मुख्यालय में हुई ये बैठक। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, पार्टी सांसद वरुण गांधी की भी हुई मुलाकात। गडकरी के घर पहुंचे थे वरुण। बीजेपी में एनडीए के चेयरमैन पद को लेकर असमंजस की स्थिति। सूत्रों के अनुसार नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है एनडीए चेयरमैन का पद। यदि मोदी बने एनडीए के चेयरमैन तो लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष। चुनाव नतीजों से पहले गांधीनगर में मोदी की मैराथन बैठक। मीटिंग में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी थे मौजूद। सरकार बनाने की रणनीति से लेकर कई मुद्दों पर हुई बात। बैठक में सरकार बनने की स्थिति में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के रोल पर भी हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, जल्द ही बैठक बुलाकर लेंगे हम फैसला। सभी नेताओं के रोल का जहां तक प्रश्न है, मैं पार्टी की बैठक बुलाऊंगा, सारे वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद होंगे। मोदी से मिलने गांधीनगर पहुंचे राजनाथ ने किया दावा, बीजेपी एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल होगा, मोदी का पीएम बनना तय। यूपी चुनाव आयोग ने 16 मई को जीत के जश्न पर लगाई रोक। कहा, जीत का जश्न मनाने वाली पार्टी को लेनी होगी डीएम से इजाजत। 31 मई तक यूपी में लागू धारा 144। नतीजे के अगले दिन 17 मई को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता लेंगे हिस्सा। आगे की बनेगी रणनीति। 16 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद वडोदरा जाएंगे मोदी। वहां से लौटने के बाद शाम को अहमदाबाद में करेंगे रैली। मोदी को गुजरात में अपना उत्तराधिकारी चुनने की छूट। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस बीजेपी की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं। एग्जिट पोल नतीजों से उत्साहित, बीजेपी ने की जश्न की तैयारी। 16 और 17 मई को दिल्ली में जोरदार जश्न। हर्षवर्धन ने कहा, मोदी का होगा भव्य स्वागत। श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में आएंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। कुछ ही समय के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले होंगे। सत्रह मई की शाम वाराणसी पहुंचेंगे मोदी। गंगा की आरती के बाद करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा। शिव के दर्शन के बाद लोगों को करेंगे संबोधित। देर शाम वापस पहुंचेंगे दिल्ली। दिल्ली पहुंचने पर मोदी का जोरदार स्वागत होगा। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक होगी मोदी की जय जयकार। मोदी के स्वागत की तैयारी के लिए बीजेपी ने बनाया व्यापक प्लान। करीब 25,000 कार्यकर्ता मोदी के स्वागत में जुटे रहेंगे। एग्जिट पोल परिणामों के बाद मुंबई में भी बीजेपी ने की जश्न की तैयारी। लोगों में बांटे जाएंगे 4,000 किलो लड्डू। जनता का आत्मविश्वास ये हमको सब करवा रहा है। जनता ने पिछले 6 महीने से तय कर लिया है कि इस बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बीजेपी ने जश्न की जोरदार तैयारियां शुरू की। नतीजों के बाद लोगों में बांटी जाएगी मिठाई। डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर फ्री मिठाई का भी किया गया इंतजाम। सोनिया गांधी के घर मनमोहन सिंह के सम्मान में डिनर पार्टी, लेकिन डिनर पार्टी में शरीक नहीं हुए राहुल। कांग्रेस ने दी सफाई, कहा विदेश में होने की वजह से राहुल नहीं हुए शामिल। विदाई भोज में राहुल के शामिल नहीं होने पर कांग्रेसी नेताओं की अलग अलग दलील। किसी ने कहा देश में नहीं, तो किसी ने कहा ये कोई मुद्दा नहीं। यार साहब, आज प्रधानमंत्री जी का हम लोग ने, सोनिया जी ने उनको डिनर दिया था, उसके बारे में एक आज एक बहुत उनके लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। इसमें भी राजनीति लाने की बात करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
दिनों में राहुल गांधी नहीं आए, शायद राहुल जी हैं या नहीं है वो नहीं कह सकते हैं, मगर सारे लोग, सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर, सारे मिनिस्टर्स और सब थे, उन्हीं लोगों को बुलाया गया था। राहुल गांधी के पीएम के विदाई भोज से गायब रहने पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, कहा गैर हाजिरी के बारे में अगर पहले से जानते थे कांग्रेस नेता तो भोज से पहले मीडिया को दे देते खबर। डिनर में पहुंचे मनमोहन को दिया गया खास प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर। सूत्रों के मुताबिक डिनर में एग्जिट पोल नतीजों पर भी हुई चर्चा, सोनिया ने डिनर पर पहुंचे नेताओं से कहा हम भी दूसरी पार्टियों के संपर्क में। नतीजे से पहले कांग्रेस के अंदर अलग अलग सुर, अनिल शास्त्री ने कहा 2012 में ही राहुल को कमान संभाल लेनी चाहिए थी। ये होती कि राहुल गांधी सन 2012 में प्रधानमंत्री हो जाते। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का दावा, केंद्र में हम फिर सत्ता में आएंगे, यूपीए 3 की सरकार बनेगी, अभी बीजेपी के लोग जश्न मना लें, सबको पता है आगे क्या होने वाला है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल होने वाली पार्टियों पर उद्धव ठाकरे ही लेंगे फैसला, हम बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र का कोई किसी पार्टी को एनडीए में जगह देने की बात होती है तो उसका निर्णय शिवसेना करेगी, उद्धव ठाकरे साहब करेंगे। बिखरने लगा यूपीए का कुनबा, आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा सत्ता पाकर कांग्रेस में आ गया अहंकार, एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं से नहीं किया इनकार। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को काफी सीटें मिली, उन्होंने शायद हमारे अन्य दलों के जो भी एक राय थी उसको कम ध्यान दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा मुझे नतीजे का बेसब्री से इंतजार, बीजेपी को समर्थन देने की बात पर बोली नतीजे आने का इंतजार कीजिए। मेरठ में नतीजे आने से पहले ही बीजेपी ने मोदी को पीएम बनने की दी बधाई, शहर के चौराहों पर लगाए होर्डिंग्स। होर्डिंग्स पर मोदी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी तस्वीर, होर्डिंग को लेकर पूछे सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा हम मामले की जांच कराएंगे। अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह को मतगणना के दौरान शरारत की आशंका, चुनाव आयोग को पहले से जारी की चेतावनी। आम आदमी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी का बयान, हम जनता का भरोसा दिलाने में नाकाम रहे, कुछ ऐसे फैसले हुए जो लोगों को नागवार गुजरे। पता है हमें बिल्कुल सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरह से हमारी रणनीति रही है, और एक बहुत ही चिंतन की इसको लेकर जरूरत है, और कुछ कुछ हमारे ऐसे फैसले हुए हमें लगा वो फैसले सही हैं लेकिन शायद लोगों को नागवार गुजरे। कांग्रेस नेता एनडी तिवारी ने 88 साल की उम्र में उज्ज्वला शर्मा से रचाई शादी, लखनऊ में परंपरागत तरीके से हुई शादी, इससे पहले रोहित शेखर को बेटा मान चुके हैं तिवारी। दिल्ली में बीती रात लूट का सनसनीखेज मामला, करोलबाग इलाके में हीरा कारोबारी से 50 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली में प्रेमी की शादी से इनकार करने पर लड़की ने की आत्महत्या, लड़की के घर वालों का आरोप, लड़के वालों ने की थी दहेज की मांग। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक पिता पर अपनी 8 महीने की बच्ची की हत्या का आरोप, बच्ची की लाश लेकर खुद पहुंचा थाने। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जिलेटिन की छड़ों के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस को स्टोन चिप कंपनी के मालिक की तलाश।